धार के सम्मान समारोह में आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितने भी हमारे वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक थे, सह संयोजक, प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, प्रदेश का समिति सदस्य, तमाम विंग के संयोजक प्रभारी को आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने दुपट्टा देकर, मोमेंटो बुके देकर सम्मानित करने का काम किया। आज वाणिज्य प्रकोष्ठ की बैठक में जो प्रदेश स्तरीय कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद आज तमाम प्रदेश पदाधिकारियों का यह सम्मान समारोह था और उस सम्मान समारोह में बिहार से जितने भी हमारे लोग थे मैक्सिमम लोग आने का काम किया है। वाणिज्य प्रकोष्ठ, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जीएसटी का सवाल हो, जीएसटी के स्तर पर जो हमारा भारत के केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो भी एक समस्या, जीएसटी सवाल की समस्या अगर हो तो उसको हम लोग सर्वे कराकर दो महीना के अंदर में जो हमारा क्षेत्रीय प्रभारी हैं, सांसदोंजक हैं, तमाम लोगों के माध्यम से सर्वे कराकर हम दो महीना के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष जी का रिपोर्ट देंगे कि जीएसटी में क्या खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बातचीत की गई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार में लोकसभा 40 में से 40 सीट हम लोग जीत कर लाने का काम करेंगे और उसमें वाणिज्य प्रकोष्ठ की अहम भूमिका रहेगी। जो हमारा व्यापारी है, जो वाणिज्य समाज के लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स के बल पर सरकार चलती है, या केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये व्यापारी और वाणिज्य को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं। इसलिए हमारा व्यापारी समाज बहुत मजबूत समाज है। हम लोग हर तरह से बिहार में 24 में लोकसभा, 40 में 40 और 25 में बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें अकेले भाजपा की सरकार बनेगी और उस वाणिज्य प्रकोष्ठ का अहम भूमिका रहेगा। मैं इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 15 वर्षों से मैं मांग करता रहा हूं कि व्यापारी के हितों के लिए बिहार उद्यमी व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए। आज तक उन्होंने गठन नहीं किया। हमारी सरकार बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तो सबसे पहले काम व्यापारियों के हित के लिए हम बिहार उद्यमी व्यवसायिक आयोग का गठन कराने की मांग करेंगे। ये मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूँ।